वही फरीदाबाद की डबुआ मंडी में पार्किंग ठेकेदार की गुंडागर्दी सामने आई है, जहां पार्किंग टिकट नहीं लेने से नाराज पार्किंग ठेकेदार ने एक मां बेटे पर हमला कर दिया। उनकी सरेआम जमकर पिटाई की गई। इतना ही नहीं, पीड़ित मां बेटे के कपड़े तक फाड़ दिए गए। पीड़ित युवक का आरोप यह है कि पार्किंग की टिकट उसकी मां के पास थी, वो मंडी में अंदर जा रहा था, तभी पार्किंग चालकों ने उसे टिकट ना लेने का आरोप लगाकर पीटना शुरू कर दिया। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक यहां पार्किंग के नाम पर गुंडागर्दी हो रही थी। आए दिन लोगों के साथ बदतमीजी और मारपीट की जाती है। लोगों ने मांग की कि इस पार्किंग को बंद किया जाए, मारपीट करने के जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। गाड़ी करने आई थी मैं पालीगढ़ के लिए, मैंने पर्ची कटवा रखी है सर। मैंने पर्ची, मेरा पास थी, लड़का मेरा बाइक लेके आया, मेरे भाई लड़के में चाटा मार दिया। मैं आई तो मेरे साथ में ये जुलम किया उन्होंने। कौन थे वो पर्ची काटने वाले बंदे? सारे कितने बंदे थे? 10-15 बंदे हैं सर। उन्होंने ये ऐसे घसीट घसीट कर मारा, सारी उनको मैं यही मारा। इन्होंने कुछ नहीं बोला किसी ने। केस नहीं होंगे, आगे जाना है। मैं आगे तक जाऊंगी जब तक मेरा केस फाइनल नहीं होगा। मैं बहुमत में ज्यादा है, महिला मंडल में जाऊंगी मैं। पेश हो जा, पेश होगी। पुलिस वाले पे मदद मांगने गई, पुलिस वाले ने कुछ नहीं सुना। ले रही क्या कहते पुलिस वाले? पुलिस वाले यहीं थे, कुछ नहीं सुना, भाग गए गाड़ी लेके। मसाखोर की भी 30-30 रुपए का पर्ची काटते हैं, पलेदार के 20-20 रुपए का पर्ची काटते हैं। को भी रेप्टो मार दिया था। कौन थे वो? कौन थे वहाँ पे? मैंने पता किया है तो वहाँ पे मैंने अपने SDO रेडियो को भेजा, रेडियो पुलिस अभी आई रही है, तो वहाँ पे पता चला है कि भाई कोई पर्ची काटते हैं मंडी के अंदर एंट्री की, तो उसके ऊपर किसी पहले उसके लड़के से झगड़ा हुआ है, किसी लड़के का जो वहाँ पर्ची काटते हैं। बाद में उसकी मदर वदर ने उसको बचाने के लिए तो उसके भी साथ में हाथापाई कर दी। जाँच कर रहे हैं, मुकदमा दर्ज कर देंगे, जो भी नियम अनुसार कार्रवाई होगी कानून के तहत।